नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, निफ्टी ने 13,000 पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, अब आगे क्या होने वाला है शेयर मार्केट में। इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, इंडियन एक्सचेंज निफ्टी ने हिस्ट्री में पहली बार 13,000 पॉइंट के मार्क्स को क्रॉस कर दिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि इसके आगे क्या हो सकता है, क्या बुलिश बिहेवियर कंटिन्यू होगा या फिर मार्केट नीचे आएगा, आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या करना चाहिए, आपको बहुत खुश होके और भी इन्वेस्टमेंट करें या फिर अभी रुक जाएं, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो ये सब सवाल, ये सब बातों पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगेन मैं वही बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में नए आए हैं इस पे तो राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइएगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जहां पर डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। तो शुरू करते हैं, क्या है ये इंडियन इकोनॉमी में ग्रीन शॉट, मार्केट कैसे बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जून क्वार्टर में रिकॉर्ड 20% कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सितंबर क्वार्टर में अच्छे सिग्नल दे रही है। अभी एस्टिमेट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 21 में इकोनॉमी का कॉन्ट्रेक्शन 7.5 से 8% आसपास होने वाला है। इसको अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि ग्रोथ रेट नहीं है, डी ग्रोथ की रेट है ये। लेकिन जिस हिसाब से पूरी दुनिया में इकोनॉमी बंद हो गई थी और ग्रोथ बंद हो गया था, उसके हिसाब से ये कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी अपने लोएस्ट पॉइंट से ऊपर आ चुकी है। ये एक अच्छा सिग्नल है, इस हिसाब से शेयर मार्केट में अभी और ऊपर जाएगा और निफ्टी शायद 13,000 पॉइंट से आगे जाके रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। लेकिन क्या और कुछ बात है जो हम भूल रहे हैं, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीन न्यूज एंड अनलॉक, इकोनॉमी का ग्रीन शॉट के पीछे रीजन है मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफर्ड वैक्सीन के बारे में गुड न्यूज। ये सारे वैक्सीन लगभग 90 से 95 तक इफेक्टिव है और इनका कोई बुरा साइड इफेक्ट भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब दुनिया वापस अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी है और यही ऑप्टिमिज्म है कि जो दुनिया भर के मार्केट को इम्पेक्ट कर रहा था, इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में अनलॉक के प्रोसेस भी सक्सेसफुली होता दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखा जा सकता है और फूड इन्फ्लेशन भी कुछ कम हुआ दिख रहा है, यानी सब तरफ एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है मार्केट के लिए। डी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं है, सभी ग्रोथ के लिए है। ऊपर से दिवाली और फेस्टिवल सीजन की वजह से लोगों ने जैसे ही अपने स्पेंडिंग को शुरू किया, वैसे ही डिमांड भी शुरू होते हुए दिखा और यही सब वजह है कि नवंबर में शेयर मार्केट का ग्रोथ और ओवरऑल इनकम सबसे ज़्यादा है। अभी सामने विंटर और क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली है, उसमें भी डिमांड बढ़ने के और भी चांसेस हैं। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट जैसे मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि निफ्टी शायद 14,000 के आसपास भी क्रॉस कर जाए अगले 15 महीनों में। मार्केट में एक नया इन्वेस्टर की भीड़, एक और रीज़न है जो मार्केट के राइज के पीछे है, वो है लॉकडाउन के शुरू होते ही बहुत भारी नंबर आए, इन्वेस्टर की भीड़ की तरफ अपना अटेंशन देने लगे। इन सब नए इन्वेस्टर को रॉबिनहुड इन्वेस्टर भी कहा गया था। इन नए इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट पैटर्न काफ़ी रैंडम था क्योंकि ये बहुत ही नए और अनएक्सपीरियंस थे, इस वजह से इन्होंने रैंडमली इन्वेस्ट किया। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से काफ़ी बड़ा और लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा इनकम हुई। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएस ग्रोथ रेट में इंक्रीमेंट हुआ है फाइनली Q2 21 में और इसी वजह से वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर ड्रास्टिकली ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 20 में। ये आपको एक चार्ट दिख रहा है, एटलीस्ट ईपीएस ग्रोथ टू हायर ट्रेजेट्री का ये चार्ट है। हायर इनसाइटर एक्सपर्ट ट्रेडर एनालिस्ट का ये भी कहना है कि वैक्सीन का न्यूज़ इकोनॉमी की रिकवरी की वजह से मार्केट में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन शायद आने वाले इमीडिएट कुछ महीनों में निफ्टी फॉल कर जाए, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि 20% इक्विटी शेयर को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक किया जाए और मार्केट लेवल के नीचे आने का वेट किया जाए ताकि फिर से नए लोअर एंट्री पॉइंट में इन्वेस्ट करने का मौका मिले। ये एडवाइस काफ़ी सही भी लगती है क्योंकि कोविड वैक्सीन अभी तक कमर्शियली रेडी है और फेस्टिव सीजन का खत्म होने के बाद, अगर पैंडेमिक के खत्म होने के बाद ये इंडिकेशन नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट का काम करेगा और मार्केट नीचे जाएगी। उसी नेगेटिव सेंटीमेंट को बचाने के लिए शायद थोड़ा वेट और वॉच पॉलिसी लेना बेहतर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोविड के नया स्ट्रेन नहीं आया और अगर पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म हो गया तो फिर मार्केट में नए रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये 100% गारंटी के साथ में कहा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ निफ्टी 13,000 कैसे पहुँची और निफ्टी 14,000 पहुँचेगी या नहीं, ये खबर आपके अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके अच्छे से समझ में आई है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।